दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में, क्योंकि आईपीएल का ऑक्शन भी हो गया, सारी टीमें भी बन गई। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं सभी टीमों के स्क्वाड पर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए सबसे पहले सीएसके के टीम स्क्वाड और प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करें बैटिंग लाइन की, तो उसमें नज़र आएंगे अजिंक्य रहाणे। इनका पिछले कुछ समय से कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन सीएसके टीम के पुराने और अनुभवी बल्लेबाज हैं, इसलिए सीएसके की टीम ने इस साल इन्हें 50 लाख रुपयों में खरीदा है। फिर आते हैं अंबाती रायडू, जो कि यह भी सीएसके टीम के अनुभवी बल्लेबाज हैं और पिछले साल की तरह इस साल भी सेम प्राइस 6.75 करोड़ रुपये में बिके हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेवन कॉनवे हैं, जो कि भैया हर एक पिच हर एक स्टेडियम में अपना परचम लहरा रहे हैं और यह मैच डिसाइडर प्लेयर भी बन सकते हैं। सीएसके की टीम इन्हें 1 करोड़ रुपए में खरीदी है। फिर आते हैं खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो आईपीएल का सभी फॉर्मेट में सबके भगवान है, मैं तो यही कहूँगा। और इस साल सीएसके की टीम पिछले साल की तरह सेम प्राइस 12 करोड़ रुपये में खरीदी है इनको। फिर ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इस साल भी यह सीएसके की टीम में 6 करोड़ रुपये में बिके हैं। फिर सैक रसीद, जो मात्र अभी 18 वर्ष के युवा खिलाड़ी हैं, जो कि हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में 50 रन इनका बेस्ट स्कोर रहा है और युवा हैं, यह देखते हुए सीएसके की टीम इनके ऊपर 20 लाख रुपए खर्च की है। इनके बाद हैं शुभ्रांशु सेनापति, जो कि 2017 इंटर स्टेट 2020 टूर्नामेंट में उड़ीसा के लिए अपना 2020 में डेब्यू किया। सीएसके की टीम ने इन्हें 20 लाख रुपये में खरीदी है। दोस्तों ये तो रहा सीएसके की बैटिंग लाइन की बात, अब आइए एक नज़र डालते हैं ऑलराउंडर पर। सबसे पहले अजय मंडल, जो कि इंटर स्टेट 2020 टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं और 34 मैच में 246 रन बनाए हैं और 118 का स्ट्राइक रेट है इनका, और सीएसके की टीम ने इन्हें 20 लाख रुपए में खरीदी है। फिर दुनिया के माने जाने वाले ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जिनको सीएसके की टीम खोना नहीं चाहती थी और इसीलिए शायद सीएसके टीम के यह सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें सीएसके टीम ने 16.25 करोड़ में खरीदी है। जिसके बाद भगत वर्मा, इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 में पहली बार खरीदा था और इस साल फिर इन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। फिर साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं ड्वेन प्रिटोरियस, जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं, सीएसके टीम ने इन्हें 50 लाख रुपए में खरीदा है। जिसके बाद आते हैं सीएसके टीम के अनुभवी खिलाड़ी मोइन अली, सीएसके टीम ने इन्हें 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर है मिचेल सेंटनर, सीएसके की टीम इनके ऊपर 1.90 करोड़ रुपए खर्च की है। फिर निशांत सिंधु, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाए हैं और इनका सपना था कि जल्द आईपीएल में खेलें, तो सीएसके की टीम ने 60 लाख रुपए में खरीदा है। फिर आते हैं राजवर्धन हांगरगेकर, जो पिछले वर्ष भी सीएसके टीम के हिस्सा थे और इस वर्ष सीएसके टीम ने इन्हें 1.5 करोड़ में खरीदा है। जिसके बाद है भारतीय टीम के धुरंधर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, इनका आईपीएल में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और पिछले साल आधे सीजन तक कप्तानी भी किए थे। सीएसके की टीम ने इन्हें 16 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर शिवम दुबे, जो कि अलग अलग टीम के हिस्सा रह चुके हैं लेकिन पिछले वर्ष से सीएसके की टीम में है और सीएसके टीम इनके ऊपर 4 करोड़ रुपए खर्च की है। अब आती है बॉलरों की बारी, जिसमें सबसे पहले दीपक चहर, जो आईपीएल में काफ़ी अच्छे कारीगर साबित हुए हैं और काफ़ी विकेटें भी चटकाई हैं, सीएसके टीम ने इन्हें 14 करोड़ रुपये में खरीदा है। फिर है न्यूजीलैंड के गेंदबाज कायल जेमिसन, आईपीएल में इनके अच्छे प्रदर्शन रहे हैं और सीएसके की टीम इन्हें 1 करोड़ में खरीदी है। फिर श्रीलंकाई गेंदबाज महेश तीक्ष्णा, ये 9 मैचों में 12 विकेट लिए हैं, सीएसके की टीम इन्हें 70 लाख में खरीदा है। फिर आते हैं मथीशा पथिराना, इन्हें 20 लाख में खरीदा गया है। जिसके बाद हैं मुकेश चौधरी, जो विजय हजारे ट्रॉफी खेले हैं और 2022 से सीएसके की टीम में है, इस साल भी सीएसके की टीम इन्हें 20 लाख रुपये में खरीदा है। फिर हैं प्रशांत सोलंकी, ये भी विजय हजारे ट्रॉफी खेले हैं और 2022 से सीएसके की टीम के हिस्सा रहे हैं, इस साल भी सीएसके की टीम इन्हें 1.20 करोड़ रुपये में खरीदी है। फिर सिमरजीत सिंह हैं, जो 2022 में भी सीएसके टीम का हिस्सा रहे और इस साल भी सीएसके इनके ऊपर 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। फिर आते हैं तुषार देशपांडे, जो कि रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं और 2020 से आईपीएल भी खेल रहे हैं, सीएसके टीम इन्हें 20 लाख रुपए में खरीदी है। फिर ज़्यादा देर ना करते हुए अब प्लेइंग 11 की बात करें, तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आएंगे डेवन कॉनवे, जो कि फेफ डुप्लेसी के रिप्लेसमेंट पर टीम में है तो कोई शक नहीं है। फिर आएंगे मोइन अली, फिर बेन स्टोक। पांचवें नंबर पर यहाँ मुझे लग रहा है अंबाती रायडू के जगह शिवम दुबे को पिक करेगी टीम, क्योंकि रायडू फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं और दुबे अभी युवा हैं, तो हो सकता है टीम दुबे के साथ जाए, हालांकि रायडू भी अभी अनुभवी खिलाड़ी हैं। फिर छठे नंबर पर खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे और फिर रविंद्र जडेजा। आठवें नंबर पर ड्वेन प्रिटोरियस भी हो सकते हैं या मिचेल सेंटनर, क्योंकि दोनों के अच्छे प्रदर्शन रहे हैं आईपीएल में। फिर आएंगे दीपक चहर, फिर मुकेश चौधरी भी आ सकते हैं या महेश तीक्ष्णा, क्योंकि दोनों युवा हैं और दोनों फॉर्म में हैं।
फिर अंत में आएंगे सिमरजीत सिंह। तो दोस्तों ऐसा है कुछ टीम का स्क्वाड और प्लेइंग 11। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में क्या हो सकता है बदलाव कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए न्यूज़ जस्टिफाई के साथ। थैंक यू सो मच।